वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टी पर दिल से स्वागत है। जी हाँ, आज मुझे बहुत इंस्टाग्राम मैसेज आए, तो एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाया था, पर उनका नाम लिया जाएगा, कि अब यूके में और वीज़ा नहीं मिलेगा, अब बस और नहीं चाहिए लोग, चाहे वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, अब यूके रिमूव करेगा माइग्रेंट को एंड क्लोजिंग करेगा बॉर्डर ड्यू टू रिसेशन इन यूके। यूके में रिसेशन आ रहा है 2022 में, लास्ट में 2023 में और 2024 से। ये बात हमसे छुपी नहीं है कि यूके में रिसेशन आ रहा है और यूके में एनर्जी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं और यूके में फूड प्राइस भी बढ़नी शुरू हो चुकी है और यूके में लोग रिडंडेंट करना शुरू कर दिया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, बिकॉज क्रिसमस तक ये लोग, अभी थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन है तो अभी लोग जॉब से नहीं निकालेंगे। पर ये बात सत्य है कि रिसेशन यूके में आएगा और मैंने एक फेस किया और इसका भी लास्ट बना हुआ है, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। पर ये न्यूज़ कितनी सत्य है कि यूके ने अपने बॉर्डर क्लोज कर लिए और आगे जाकर वो वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा और माइग्रेंट जो ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं उनका रिमूव करेगा कि नहीं कर, ड्यू टू अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। तो इस पर डिस्कस करें डिटेल। पर जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी है, मैं यूके में 18 साल से रह रहा हूँ और मैं यूके 5 घर बनाए और मैंने 11 मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। अब मैं रिटायर्ड हूँ और मैं लोग की हेल्प करने के लिए डेली वीडियो लेकर आता हूँ। मेरे घर में इस टाइम कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और मेरी पूरी बॉडी डस्ट से एलर्जी में, पर फिर भी आपके सामने कैमरे के लिए आया हूँ ताकि आपको मोटिवेट कर सकूँ। मैं पता है कि ये वीकेंड में बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, इससे आपके और आपके माँ बाप का खून बहुत ही बॉइल्ड होगा। पर गए चलिए डिस्कस करते, पर उससे पहले कुछ बातें बता दूँगा जो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना आज का वीडियो। सबसे पहले यूके कंसीडर कर रहा है नो आइलैंड्स, बिकॉज न्यूज़ में आ रहा है कि यूके को बहुत सारे वर्कर चाहिए और कुछ कंपनीज अच्छे वर्कर जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनकी, मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं। मैंने 18 साल यूके में रहा और मैंने 62 कंट्री और 7 वंडर देखे। इंग्लिश अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि आप में स्किल नहीं है, आप टैलेंटेड नहीं हो। एक लैंग्वेज जैसे मेरी, आई एम पंजाबी बट आई लव टू स्पीक इन हिंदी, मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी है बिकॉज एक लैंग्वेज एज कम्पेयर टू पंजाबी में, उड़ा एडस पंजाबी भी आता है, पर एक लैंग्वेज है। वो चीज़ समझ गया यूके, अब यूके क्या करने जा रहा है आगे जाकर। इन फ्यूचर में डिस्कशन चल रही है पार्लियामेंट में, शायद वो आइलेट्स के रूल्स इंग्लिश टेस्ट ईजी कर देगा। और ये भी डिस्कस किया गया, आपने खुद वीडियो भी देखा है कि यूके ऐड करने जा रहा है बहुत सारे शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट, जहाँ पर लोगों को वर्क वीजा मिलने आसानी होगी और इवन कि वो माइग्रेंट को इंडिया से या किसी और कंट्री से लाने के लिए भी रूल्स ईजी कर रहा है। और उसने जो वीज़ा फीस है वो रिड्यूस भी कर दी है और फाइबर ऑप्टिकल इंजीनियर्स को वो रिक्रूट कर रहा है मासिव। अगर आप में से कोई लड़का यूके आना चाहता है, फाइबर ऑप्टिकल एक ऐसी स्किल है जो आपको पता इंटरनेट पर चल रही है आजकल, वो सीख लीजिए, आप सीधे सीधे यूके में ठाट कर पहुँच जाओगे। पर अब बात करते हैं आज के टॉप पर। देखो मैंने ऐसी कोई न्यूज़ कहीं नहीं देखी है कि यूके बॉर्डर क्लोज करने जा रहा है। ठीक है, जब लॉकडाउन था नो डाउट यूके ने बॉर्डर क्लोज किए थे, पूरा यूके शट डाउन था, रिडंडेंसी थी, और मैंने खुद भी हमें यूके सपोर्ट करा था फाइनेंशियली जब वो 2500 पाउंड दे रहा था। बातें छुपी हुई नहीं है, वो फैक्ट्स है, वो बॉरिस जॉनसन जी के सर के टाइम का था। पर आज की डेट में मेरे ख्याल से यूके बॉर्डर क्लोज नहीं करेगा, वो ओपन करेगा, बिकॉज आप लोग जब हॉलीडेज मेकर हो, जो हॉलीडे यूके करने आओगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, कहीं ना कहीं यूके की जो जीडीपी उसको इंप्रूव करेगा, प्लस स्टूडेंट्स तो यूके के लिए ब्रेड एंड बटर है। आपकी तो फीस 3 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेरे सिटी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो आपको वो क्यों बंद करेगा? कोई बंद स्टूडेंट वीजा नहीं होने जा रहा है, कोई बंद वर्क वीजा नहीं होने जा रहा है। ठीक है, जॉब्स कम होंगी, पर जो लोग स्किल्ड हैं, जैसे कोई केयर टेकर है चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, होटल स्टाफ चाहिए, कुछ स्किल्स हैं जैसे इंजीनियर्स, आईटी चीज़ें चाहिए चाहिए, जो यहाँ पर बहुत रिक्वायरमेंट है, वेल्डर चाहिए। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि कुछ जॉब रिडंडेंसी आएगी, जहाँ पर जो छोटी कंपनीज हैं, जो कैफे हैं, मैंने कल भी बताया था वीडियो में, रेस्टोरेंट्स हैं छोटे, वो बंद हो जाए, बिकॉज जब कस्टमर बाहर नहीं जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, पैसा नहीं होगा, तो ऑफकोर्स कुछ लोग जॉब लूज करेंगे और रिडंडेंसी आती है। तो यूके में एक ऐसा है भेड़ चाल है, मैंने खुद 2008 में फेस किया है, आपको बताया कि गैरी सर यूके 18 साल से रह रहे हैं, मैंने खुद फेस का रिसेशन, जहाँ पर मेरे खुद आवर 40 से 30 आवर कर दिए गए थे और मैंने बहुत सारे लोगों को घर खोते हुए देखा है। पर ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है, कोई बॉर्डर क्लोज नहीं हो रहे, कोई पोस्ट स्टडी वर्क वीजा क्लोज नहीं हो रहा, क्योंकि पोस्ट स्टडी वर्क मेरी नॉलेज में 3 साल का होने जा रहा है 2024-25 में, आप कह रहे बंद हो रहा है, मगर इसको और बढ़ रहा है। यूथ मल्टी वीज़ा आपके कॉर्नर पर आया है, सीजनल वर्कर वीज़ा आपके लिए खुला पड़ा है, चैरिटी है, रिलीजियस वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, आप ना ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, इतने सारे वीज़ा में चल, इतने सारे वकील भाई आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि आप लोग किस तरह यूके आ सकते हैं। तो जो भी लोग आपको ये न्यूज़ दे रहे हैं कि यूके बॉर्डर बंद होने जा रहा है, इट्स नॉट क्लोज, बिंदास होकर यूके आई और अपने ग्रीन मार्क्स अपने पूरे कीजिए। और ये भी वीडियो अनएडिट होगा बिकॉज मेरे पास टाइम एडिट करने का नहीं है, आई होप आप मेरे टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे। सीवी कट बनाना मुझसे अच्छा नहीं बना सकता कोई, आप इंस्टाग्राम रील करें आ जाइए, और फ्री क्वेश्चन भी पूछना है तब भी आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, क्योंकि मैं रियली लाइव आप इंस्टाग्राम पर होता हूँ। आई विश यू वेरी गुड, आप जहाँ रहे सदा खुश रहें, और जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।